ये लेडीज का अपमान नहीं, ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, इनका अपमान मत करो। भगवान के वोटिंग राइट का कत्ल किया जा रहा है। माहौल पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। जो हक बात है वो कहिए, जिसने आपको डराया धमकाया उसका नाम लीजिए, ऐसे बर्दाश्त नहीं होगा। रोटी अल्लाह के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। जो हक बात है वो कहिए, जिसने आपको डराया धमकाया उसका नाम लीजिए, ऐसे बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे प्राथमिकता छोड़ दे, चाहे हम देश छोड़ दे, ऐसे अगर हमें वोटिंग राइट नहीं रहेगा तो हमारे देश में रहने का मकसद क्या रह जाता है? आपके सामने वो गवाही दे रही है मीडिया के सामने कि हमको मना कर दिया, पर्ची मत बनाइए, चली जाइए। वो एक इतनी हरासमेंट हो गई, एक लेडीज कह रही है मैं रिजाइन कर दूंगी अपनी नौकरी से। ये आवाम कर रही है तीन तीन चार बार, एक आईडी काफी होती है, तीन तीन चार चार आईडी क्यों मांगी जा रही है? हमारे पास ये कागज नहीं है, हम पर्ची तो आपको बना देंगे लेकिन ये आप पेपर मुहैया करा देंगे। गुंडागर्दी कर रही है। मजिस्ट्रेट सर, मामला प्रकार में आया, क्या है बुरा मामला? मैं समाजवादी पार्टी के लोग उनको मारा गया, एजेंटों को मारा जा रहा है। नगर छह मरतबा आ चुकी है पहचान। अब जब एक आईडी काफी होती है, ये लिखा हुआ है नॉर्मल कंडीशन में, ये लिखा हुआ है कि कोई भी एक आईडी हो, आईडी प्रूफ हो तो वोट होगा। ये दो दो आईडी लिए फिर रही है, लेडीज को परेशान किया जा रहा है। ये लेडीज का अपमान नहीं, ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, इनका अपमान मत करो। वोट डालने से कौन रोक रहा है? से वोटिंग राइट मत कर, ये शहरियों का कत्ल है, एक तरीके से उनकी आजादी का कत्ल है। अगर आप इनको खवातीन को अगर इस तरह से आप करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन से एतबार ही उठ जाएगा हमारा। अच्छा, अभी वोट डालने से किसने रोका है? में कैसा मतदान चल रहा है? जनपद से पुलिस की शिकायतें आई है, एक जगह से नहीं आई, एक दर्जन शिकायतें आ चुकी है हमारे यहाँ से। तो आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, अब देखिए हम एक दर्जन से 1500 गांवों में एक दर्जन से, अब देखते हैं उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं होती है। अच्छा, पटवाई में एक गांव है, वहां पर कुछ गांव के अंदर बहिष्कार किया गया वोटों का? नहीं, पटवाई में क्या, सेफनी में जो है वो एसएचओ ने परेशान किया, वहां पर क्या कहते हैं वो, उसकी शिकायत दर्ज कराई गई है।